नाश्ते की जब भी बात होती है तो सबसे पहला ख्याल आता है ब्रेड का, पर कहाँ तक सैंडविच ही बनाए जाएं। तो चलिए फिर आज हम ब्रेड की एक नई रेसिपी बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड, और मैंने यहाँ पर नॉर्मल मैदे वाले ब्रेड लिए हैं। आप चाहें तो होल व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे। तो इसके लिए मैंने ले ली है एक कटोरी, ये घर की नॉर्मल कटोरी है, पर बस ध्यान इस बात का रखना है कि उसकी एजेस थोड़ी सी ऐसी हों जिससे इजीली ब्रेड कट जाए। तो इस साइज़ से हम ब्रेड काट लेंगे। इसी तरह से मैं सारी ब्रेड्स काट लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने सारी ब्रेड काट ली हैं, और जो बाकी बचा हिस्सा है आप चाहें तो इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से इसके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो चलिए फिर इसको एक तरफ रखते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। तो गैस पर मैंने रख लिया एक फ्राई पैन, और इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम गर्म हो जाने देंगे, और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को अच्छे से सौटे कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा बहुत अच्छे से सौटे हो गया है। हमें इसका ऐसा ही गुलाबी कलर ही चाहिए था, हमें भूरा कलर नहीं चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो घिस कर भी डाल सकते हैं या काट कर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट ले लिया है, और इसको भी हम एक मिनट तक भून लेंगे। जब तक इसकी रॉ स्मेल निकल जाए हमें इसको तब तक भून लेना है। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसमें डालेंगे एक शिमला मिर्च। ये एक छोटी शिमला मिर्च है, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप स्वीट कॉर्न, इसको भी डाल देंगे, और अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और हल्की सी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं या फिर होममेड भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे, और आँच हमारे यहाँ पर रहेगी मीडियम टू लो, और हमें सब्जियों को बहुत गलाना नहीं है तो इस तरह से रखना है खड़ी खड़ी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ओरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग। अब डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक होता है, तो उस हिसाब से हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल रहे हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि सब्जियाँ हमें ओवर कुक नहीं चाहिए, वो हमें हल्की सी खड़ी खड़ी ही चाहिए। तो अब हम इसको रखते हैं एक तरफ, और चलिए फिर करते हैं आगे की तैयारी। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बोल, और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन है, आप महीन या मोटा वाला कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर महीन वाला बेसन लिया है, और इसको मैंने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक घोल बनाएंगे। एक साथ पानी डालने से इसमें लम्प्स बन सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे डालने से बैटर में लम्प्स नहीं पड़ते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पानी को हम धीरे धीरे ही डालेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने बैटर बना लिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, इसको मिला देंगे। आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल चीनी ले ली है। और साथ ही डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून नींबू का रस, इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, देखिए इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहें तो हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है, और इसको अब हम मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। और ये देखिए कितना अच्छा बैटर बना है हमारा, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। इतने बैटर को बनाने के लिए हमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है, और ये एकदम तैयार है। इसको एक तरफ रखते हैं। अब ले लेंगे हम ये कटोरियाँ, जिस कटोरी से हमने ब्रेड को काटा था ये वही कटोरी है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले रिफाइंड ऑयल लगा देंगे, आप चाहें तो घी या बटर भी लगा सकते हैं। और इसको पूरी तरफ अच्छे से हम चारों कटोरी में रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड का स्लाइस जो हमने काटा था, इसको अच्छे से इसके अंदर रख देंगे। थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके नीचे थोड़ा सा दबा देंगे और इसको अच्छे से रख देंगे। देखिए सारे में लगा दिया है, और साथ ही इसके अंदर हम रखेंगे एक टमाटर का स्लाइस, इससे बहुत ही टैंगी फ्लेवर आता है। हर बाइट में जब जूसी टमाटर का स्वाद आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये टमाटर आप ज़रूर रखें इसको एक।
और साथ ही इसमें डाल देंगे हम फिलिंग जो हमने अभी बनाई थी, इसको भी अच्छे से इसमें भर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको एक साइड कर देंगे और हम लेंगे अपना बेसन वाला बैटर और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 टीस्पून इनो और इसको बहुत अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्लफ़ी हो रहा है, ये बहुत अच्छे से फूल रहा है और ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। और एक एक चमचा हम बैटर इसमें डाल देंगे सारी कटोरियों में। देखिए ऊपर तक मैंने सारी कटोरियों में हम ऐसे भर देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से हम सारे बैटर सारी कटोरियों में भर देंगे। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने रख दिया था और इसके ऊपर रख दी है मैंने एक छन्नी और इसके अंदर अब हम रख देंगे इन सारी कटोरियों को। अगर आपके पास छोटी कटोरियाँ हैं तो इसमें ज़्यादा भी आ सकती हैं। मेरी इस छन्नी में सिर्फ 4 ही कटोरियाँ आ सकती हैं तो मैं एक बार में 4 ही रख रही हूँ। और इसको हम अरेंज कर देंगे अच्छे से। अब हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और इसको ढक दिया है और अब हम 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। और ये 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा नाश्ता तैयार हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना फूला हुआ सा है। अब ये देख लेते हैं ये पूरी तरह पका है कि नहीं। तो आप इसके अंदर एक टेस्टर डाल के देखेंगे तो ये पूरा क्लीन आना चाहिए। अगर इस पर थोड़ा सा भी लगा हुआ है तो इसको आप 2 से 5 मिनट तक और स्टीम दे दें तो ये पूरी तरह पक जाएगा। लेकिन यहाँ पर टेस्टर एकदम क्लीन है तो हमारा नाश्ता एकदम तैयार है। चलिए फिर इसे निकाल लेते हैं। और देखिए साइड कटोरियाँ ठंडी हो चुकी हैं, इसको इस तरह से हम दबा दबा कर साइड से इसको ढीला कर लेंगे। नहीं तो आप चाकू की हेल्प से भी इसको ढीला कर सकते हैं चारों तरफ से। और इस तरह से इसको निकाल लेंगे और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर वाइट है नीचे येलो है। कितना अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, चलिए इसको अब काट लेते हैं। इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए बीच में कितनी अच्छी सी स्टफिंग की लेयर दिख रही है और टमाटर भी कितना अच्छा दिख रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चलिए फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम इस तरह से सारे पीसेस रख देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटो केचप। इसके लिए मैं एक पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल पन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम टमाटो केचप से जिगजैग पैटर्न बना देंगे जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और साथ ही इसको गार्निश कर देंगे हम धनिया की पत्ती से। और लीजिए तैयार है हमारा ब्रेड का बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट नाश्ता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।